ये गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूँ जो बाबा सिद्दीकी को मारे। अरे सुन मेरी बात को जालिम, कब चलाएगा गोली? चला मुझ पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू जिडीमेट लॉ ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब ने महाराष्ट्र के भिवंडी में एक अपनी तकरीर में सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुसलमान तेरी गोलियों से नहीं डरता है, तुम लोगों ने बाबा सिद्दीकी को गोलियों से मार डाला और अतीक अहमद को भी, अगर तुझ में हिम्मत है तो चला कर दिखा मुझ पर गोली, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। देखिए असदुद्दीन अवेसी साहब का क्या कहना है गोलियां मारने वालों को लेकर। तुम्हारी सरकार में अतीक को गोली मार दी गई, उनके भाई को हथकड़ियां हैं, तुम गोली मार दिए, मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाए, विधानसभा के इलेक्शन में दासना में 6 गोलियां मुझ पर चलाए। ये और बात है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदके मुझे बचा लिया, मगर एक बात सुनो, ये गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूं जो बाबा सिद्दीकी को मारे। अरे सुन मेरी बात को जालिम, जो इस दुनिया में आता है ना, अल्लाह उसको उसकी मां की पेट में भिजाने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह उसकी इज्जत, उसकी रिज़ा, उसकी जिंदगी लिख कर भी जाता। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली? चला मुझ पर। तुम समझ रहे हम मौत से डरने वाले? अरे मौत से नहीं डरते हम, हमारी दुआ एक ही होती कि जब कभी भी जिस्म से अल्लाह रूह निकालेगा, एक बार अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा दे और कलमे पे हमारा जबान पर कलमा अल्लाह नाफिद कर ले, हम जाएंगे दुनिया से, हम जाएंगे, सबको जाना है। बल्कि मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह आप सब आमीन बोलना, या अल्लाह नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, देवेंद्र फडणवीस को अल्लाह 130 साल की उम्र दे। हो गया ना, हो गया, अब तुम जियो, हम तो मौजा ही मौजा करते हुए जाएंगे, और जब खबर में जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चेहरा मुबारक दिखा जाएगा। हम तुम्हें तो हमारा क्या तुम कंपेयर कर रहे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे किसको डरा रहे? ये डरने वाले नहीं है, ये डरने वाले नहीं है।